Hi friends, good evening. Welcome to my channel Health, Wealth and Prosperity. आज हम योगा करने वाले हैं जो आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम को दूर करेगा. मेनली ये जो योगा है ये अर्ली इन द मॉर्निंग करना चाहिए, बट सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इसके लिए हम इसको शाम को आपको सिखा रहे हैं. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द योगा स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन. योगा करने की स्थिति में हमारे ये जो पहला योगा है इसे हम बलकासन बोलते हैं. बलकासन ये ऐसा पोज है जो एक बच्चा अपने मम्मी के वूम में जैसा रहता है उसको बलकासन बोलते हैं. तो इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, तो इट एड डाइजेशन एक्चुअली. सी स्ट्रेट इन वज्रासन पोजिशन, टेक डीप ब्रेथ कपल ऑफ टाइम्स. आपको जब आप एक्सेल करेंगे तीन चार बार इनहेल करने के बाद डीपली, तो आप जब एक्सेल करते करते आपको आगे झुकना है. आपके दोनों हाथ जो है पीछे जाने चाहिए और आपका जो माथा है फोरहेड वो जमीन पर टच होना चाहिए. आपको ये पोज में आपको करीब करीब 2 से 3 मिनट करना है. ऐसा करते करते आप इनहेल एक्सेल भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको. 2 मिनट आप साथ नहीं रुक पाएंगे. दूसरा जो आसन है इसको पश्चिमोत्तान आसन बोलते हैं. इसको करने से आपको पेट की जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. ये भी आपको डाइजेशन में काफ़ी हद तक हेल्प करता है. आपको सीधे बैठने हैं, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए दोनों पैर जो आपके स्ट्रेट रखने हैं इन लाइन, एक दूसरे को ऐसे टच होने चाहिए.
दोनों पांव पास लेते हुए आपको एक्सेल करते हुए आपको एक लॉक बनाना है। अब ये हर एक की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, वो कितना आगे उसको स्ट्रेच कर सकता है। एक टाइम आप पोजीशन में आते हो, आने के बाद उसको आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। हो सकता है कोई दिन आपको स्ट्रेच करने में दिक्कत हो, कोई दिन आपका बहुत ही आसानी से हो जाए, बट इट डिपेंड आपके इसके ऊपर है कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। प्रैक्टिस। दो से तीन मिनट आपको ये पोजीशन पे रहना है। यू कैन इनहेल एक्सेल, आप सांस अंदर ले सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं ये पोजीशन में। हल्लू हल्लू आप पाँव को आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। जर्क नहीं देना आपको, धीरे धीरे करना। लास्ट में आप फिंगर से भी आप पकड़ सकते हैं। एक तीसरा आसन है, इसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। अगर आपको ये दोनों साइड करना है, आपको एक लेफ्ट पाव आगे करके आप उसको फोल्ड करके आपके जो हिप है उसके अंदर आप लॉक कर सकते हैं। दूसरे पाव को आप उल्टे ऐसे लॉक करके एक्सेल करते करते आपको आपका जो दूसरा अंगूठा है उसको आपको पकड़ना है और आपकी गर्दन को आपको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है। आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना है और स्पाइन है उसको आप होल्ड करने के लिए आपका जो दूसरा जो आपका हाथ है उसका आप सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। दो मिनट तीन मिनट तक आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये आसन से आपको कॉन्स्टिपेशन के वगैरह जो तकलीफ रहेगा वो आपको इससे कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये आसन आपको अर्ली इन द मॉर्निंग करना है। ये मैं शूट शाम में कर रहा हूँ ताकि अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या होता है कि शूटिंग करने नहीं मिलता है। दूसरे पाँव से करेंगे अभी। ये आपने लॉक कर दिया हिप के अंदर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन आपने पीछे आपको सपोर्ट दे दिया स्पाइन को। एक्सेल करते हुए आप अपोजिट अंगूठा पकड़ेंगे और जितना हो सके आप अपनी गर्दन को और पूरे एक लेफ्ट साइड जो साइड है अपनी उसको पूरी तरह मोड़ने की कोशिश करेंगे। ये पोजीशन में आपको रहना है दो से तीन मिनट। अर्ध मत्स्येंद्र के आपके अलग अलग पोजेस आपने देखे रहेंगे।
ये पोज भी यूनिक है, ये मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ उसको, काफ़ी मतलब फ़र्क मुझे महसूस हुआ है ये करने से। धीरे धीरे आपको आगे आना है, पोजीशन से आपके बाहर आना है थोड़ा। अगर आपका जाम हुआ है, अगर पैर कभी कभी जाम होते हैं, तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा इससे। ध्यान लगा रहे थोड़े टाइम के लिए, अब जब भी योगा करेंगे आप एक आसन से दूसरे आसन में जाएंगे, जाने पहले आप थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा। नेक्स्ट आसन है हमारा कपाल भाती। थोड़ा टी शर्ट में फोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको बराबर दिखाई दे कि स्ट्रोक्स आपको कैसे लेने हैं कपाल भाती में। सिंपल एज दैट, आप ये एक्शन जब करते हो तभी आपको बाहर सांस, आपको एक्सहेल करना है इसमें, बाहर सांस छोड़नी है आपको, और सांस छोड़ते छोड़ते आपका जो पेट है, जो आपकी नाभि है, उसको अंदर खींचना है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं, हम लोग करते करते सांस अटक जाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये करने से आपको होता क्या है कि आप जब सांस बाहर आप छोड़ते हो, इससे पेट ये कर नाभि से आप अंदर पे ये करते हुए, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी सांस आ भी जाती है अंदर। मैं थोड़ा फास्ट हूँ, आप जब आप पहली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इसके आधे से भी आधे स्ट्रोक लेने हैं आपको, इतने स्ट्रोक करना है आपको। ये आसन करने से आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, आपको पसीना आ सकता है, इतने आपको गर्माहट फील होगी। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या जिनका एसिड रिफ्लेक्स होता है, उनको ये करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उनको ऐसा लगे कि ये करने से उनका एसिड रिफ्लेक्स बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो उनको इसके बाद नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, जिसको हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, वो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि ये आसन करने के बाद आपको बहुत गर्मी फील होगी, आपकी बॉडी में बहुत हीट जनरेट होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपका जो भी गर्माहट आपके पैदा हुई है, जो भी एसिड आपका जो एक्सेस पैदा हुआ है आपके पेट में, वो शांत हो जाता है।
आंखें बंद थी तो आंखें खोलना है, डायरेक्टली आंखें नहीं खोल देनी चाहिए, आपके जो फिंगर्स हैं उनको रब करके, आपके पाम को या फिंगर्स को रब करके, आपका जो भी आपका हीट जो जनरेट होता है उसको आंखों से आपको सेक के ही आपको आंखें खोलनी है, इसका ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट जो आसन मैं आपको बताने वाला हूँ उसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के दो तीन तरीके हैं, बट ये जो तरीका है वो काफ़ी इफेक्टिव है। ये करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपको ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है आपके बॉडी में, और आपको एक अलग ही मतलब एहसास होता है ये करने से, या आप करने के बाद ही आपको पता चलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम आपको दो तीन चार टाइम आपको ब्रीथिंग लेनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है ये करने के पहले। ठीक है, हाथ देखिए आपको कैसे रखना है, ये आपके फिंगर्स आपके जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको आपके जो मुट्ठी है आपको खोलनी है, नीचे आते जैसे कि मैंने बताया ऊपर जाते समय आपकी मुट्ठी खोलनी है, नीचे आते समय आपको मुट्ठी आपकी ढकनी है, बंद करनी है। ठीक है, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तीन सेट्स में करना है इसको। पहला जो स्टेप रहेगा वो बहुत धीमा रहेगा, सेकंड मीडियम और थर्ड थोड़ा फास्ट रहेगा, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आपको दो या तीन टाइम आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, वन इन्हेल एक्सेल, इन्हेल एक्सेल, इन्हेल एक्सेल, सांस भरिए छोड़िए, भरिए छोड़िए, सांस भरिए छोड़िए, इन्हेल एक्सेल, इन्हेल एक्सेल, इन्हेल एक्सेल। तो एक्सेल जो होता है आपका वो प्रेशर से होना चाहिए, मतलब फास्ट झटके में, वन टू इन्हेल एक्सेल, इन्हेल एक्सेल, इन्हेल एक्सेल। जैसे कि मैंने बोला एक्सेल जो आपका बहुत एकदम फास्ट होना चाहिए। स्पाइन आपको सीधी रखनी है, सुखासन में बैठ के आपको आसन करना है, 25 के सेट्स में आप इसको कर सकते हैं। अभी पता चलता है आपकी बॉडी बताती है कि आपका ऑक्सीजन फ्लो कितना बढ़ा हुआ है, बहुत ही बढ़िया आसन है। सेकंड सेट के लिए तैयारी, डीप ब्रीथिंग 3 times, आप एक्सेल करोगे फाइनली तभी आपको हाथ ऊपर लेते हुए इनहेल करना है, नीचे लाते समय आपको एक्सेल करना है। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale,
इनहेल एक्सहेल, 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 अंदर बाहर, 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 इन्हें एक्शन, इन्हें एक्शन, इन्हें एक्शन, इन्हें एक्शन। बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है। बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है इससे काफी बढ़ जाता है। थर्ड सेट की तैयारी। ब्रीथिंग आपको 2 या 3 टाइम इनहेल एक्सहेल करना है। दो या तीन टाइम आपको करके, जब तीसरे टाइम आप करोगे एक्सहेल, जब आप तीसरे टाइम करोगे तभी आपको इनहेल करते हुए आपके हाथ हाथ आपको ऊपर लेने के लिए। आप जब एक्सहेल करते हो तभी आपको प्रेशर से करना है, काफी प्रेशर आपको देना है, और आपके मुंह से नहीं आपके नाक से आपको सांस जो है बाहर छोड़नी है। इनहेल एक्सहेल, 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 इनहेल बहुत बढ़िया। ये करते वक्त हो सकता है आपके नाक से पानी बहना चालू हो, पानी बाहर आ जाए, कोई बात नहीं, उसको आप बाद में साफ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। डीप ब्रीथिंग, कॉन्सेंट्रेशन, आंखें खोलिए आप। होता है ये करने से आपके नाक से जो जो भी पानी आपका सर्दी रहता है वो बाहर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, नॉर्मल है।
ये हो सकता है। मस्ती का प्राणायाम से आपके बॉडी में काफ़ी ऊर्जा पैदा होगी, हीट पैदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पसीने आपके बॉडी पे आए। ये माइनस टेम्परेचर में भी आप इसको करेंगे तो आपके बॉडी से पसीने ही निकलेंगे। ये करने के बाद इसके लिए हमको अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी में जो आपकी अतिरिक्त ऊर्जा या हीट जो पैदा हुई है उसको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके जो दो फिंगर्स हैं आपके मध्य कपाल में आपको रखते हुए, आपके जो दो फिंगर्स हैं आपके थंब और आपके सेकेंड लास्ट जो फिंगर है उससे आप आपके नोस्टिल्स को बंद या खोल सकते हैं। आपको इसमें एक नोस्टिल से, आप लेफ्ट नोस्टिल से अगर आप सांस लेती है तो आपको राइट नोस्टिल से छोड़ना है, फिर आपको राइट नोस्टिल से सांस अंदर भरनी है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको थोड़ी देर आपको रोकना है, फिर आपको लेफ्ट नोस्टिल से बाहर छोड़ना है, फिर आपको लेफ्ट नोस्टिल से सांस अंदर भरनी है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको उसको रोकनी है, आपको राइट नोस्टिल से धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ना है। वो सांस जो छोड़ने का आपका जो टाइम रहेगा वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब आप उसको 1 to 10 अगर गिनते हैं तो 1 से 10 अगर आप गिनोगे तो आपको सांस छोड़ने के लिए लगेंगे, सांस भरने के लिए आपको 1 to 6 या 7 तक आप कर सकते हो, और सांस अंदर रखने की कैपेसिटी हर एक के अपने अपने इंडिविजुअल के ऊपर है। जितनी देर आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया उतनी देर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लेना चाहिए। रिलैक्स,
वो करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो हीट आपकी जो पैदा हुई थी उसको आपने बैलेंस कर दिया। बहुत ही बढ़िया आसन है। सब आसन आपके कंप्लीट होने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, ये अभी 7-8 मिनट मेरे मेडिटेशन के बैठूँगा ऐसे ही।